अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह शाहजहाँ के तीसरे बेटे 15 ज़िलक़ादा सन 1027 हिजरी में अर्जुमंद बानो यानी मुमताज़ महल के बतन से पैदा हुए। इब्तदाई तालीम शेख अबुल वाइज हरगामी से और इल्म व अदब मौलवी सैयद मोहम्मद कन्नौजी से हासिल किया और दीगर असातिज़ा से दीनी उलूम में महारत हासिल की। इन्होंने सिर्फ़ एक साल में कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। उल्मा और बुज़ुर्गों से हुस्ने अकीदत और वालेहाना मोहब्बत रखते थे। जब किसी जगह तशरीफ़ ले जाते तो वहाँ के उल्मा व मशाइख की मजलिस में हाजिर होकर इल्म व मारिफत की बातें सुनते और उन्हें कीमती तोहफा व तहाइफ से नवाजते। हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम और उनके साहबजादे सैफुद्दीन से इल्म सुलूक व मारिफत हासिल किया। उनकी इताअत व इबादत का यह हाल था कि सुबह सादिक से पहले उठकर तहज्जुद पढ़ते और मस्जिद में पहुंचकर फजर की अजान के इंतज़ार में किबला रुख होकर बैठे रहते। अजान के फौरन बाद सुन्नत अदा फरमाते। बाद जमात नमाज पढ़कर तिलावत कुरान और मुताले हदीस में मशगूल हो जाते और चाश्त की नमाज पढ़कर खलवत गाह में तशरीफ ले जाते। हमेशा बाव वजू रहते, कलिमाए तैयबा और दीगर वज़ाइब पाबंदी से अदा करते। पीर जुमेरात और जुम्मा को रोज़ा रखते और औलिया अल्लाह के साथ जिक्र व इबादत में मसरूफ़ रहते। वल्लाहु आलम।